हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैक्स रेट स्पेसिफाई करने से क्या होता है? आज का सवाल यही है कि आखिरकार टैक्स रेट को स्पेसिफाई क्यों किया जाए। आइए देखते हैं टैली प्राइम के अंदर कि टैक्स रेट को स्पेसिफाई क्यों किया जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन है। यहाँ से कंपनी पे जाते हैं और यहाँ से क्रिएट कंपनी पे आते हैं नेविगेशन बटन का उपयोग करते हुए और यहाँ पे जाके एंटर करते हैं। तो एक नया फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म को हम भरेंगे। जैसे सपोज कीजिए ग्रोसरी शॉप नाम से कंपनी है, ग्रोसरी शॉप, ठीक है। तो ये हो गया ग्रोसरी शॉप, इसी नाम से कंपनी है, एंटर किया। यहाँ पे एड्रेस है न्यू कॉलोनी देवरिया, ये हमारा एड्रेस हो गया। एंटर कीजिए। यहाँ पे यू प्रेस करते हैं, उत्तर प्रदेश आ जाएगा और यहाँ पर पिन कोड आएगा। जो भी पिन कोड होता हो वो पिन कोड आप डाल दीजिए, एंटर करिए और ये फोन नंबर वगैरह डालते हुए इसे एक्सेप्ट करवा लीजिएगा। ये जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर बात आएगी टैक्सेशन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्सेशन वाला यहाँ पे सेक्शन आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें हमें इस ऑप्शन को यानी इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इस ऑप्शन को यस रखना है। यस रखते ही एक विंडो ओपन होती है, यहाँ पर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे आपको करना है। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश रखा है, रेगुलर रखा है, एसीज ऑफ अदर टेरिटरी को नो रखा है और यहाँ पर आपका जीएसटी आईएन नंबर जो भी है वो हमने दे दिया है और यहाँ पे मंथली जीएसटी फाइल करेंगे। ईवे बिल को अभी ऐसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं और एंटर करते हैं। जैसे ही एंटर करते हैं तो आप इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, नो कर देते हैं। इस ऑप्शन को नो नहीं करना है, इस ऑप्शन को भी यस करना है। अब इस ऑप्शन को यस करने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको मिल जाता है और यहाँ पे शो मोर पे भी क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है स्पेसिफाई डिटेल हियर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जीएसटी की डिटेल को स्पेसिफाई करना है। तो स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ पर आपका 8 अंकों का एचएसएन कोड आता है। जो आपके 8 अंकों का एचएसएन कोड है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 8 अंकों का एचएसएन कोड हो गया, एंटर करेंगे, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और स्पेसिफाई डिटेल्स हियर यहाँ पर आएंगे। और अगर हमने इस डिटेल को स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या हो सकता है उसको जरा देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू टैक्सेबल गुड्स कर दिया है, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट करा लिया, लेकिन अब जबकि हम एंट्री पास करेंगे परचेज में या सेल्स में, कहीं भी एंट्री पास करेंगे तो पहली तो एंट्री परचेज में ही होगी। तो यहाँ सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आएगा और यहाँ पर सपोज कीजिए कैश में ही हम ये परचेजिंग कर रहे हैं और यहाँ पर रेगुलर रखेंगे और यहाँ पर बाकी आपका जो जीएसटी आईएन नंबर है वो आ जाता है, एंटर करेंगे और यहाँ पर आते ही परचेज अकाउंट का लेजर आएगा। तो ये परचेज अकाउंट कर देते हैं, एंटर करते हैं, ग्रुप रहेगा परचेज का, पी प्रेस करते ही नीचे यहाँ परचेज अकाउंट नजर आ जाएगा, आपको लगा लीजिएगा, एंटर करिए। एंटर करते हुए यहाँ पर अब इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो एक्सेप्ट करा लिया, अब यहाँ पे बनाना है स्टॉक आइटम, ठीक है। तो स्टॉक आइटम में मैं कर देता हूँ बेसन, ठीक है। क्या करेंगे, बेसन यहाँ पे लिखते हैं। तो बेसन जो है एक स्टॉक आइटम है और ये बिकेगा तो किस में बिकेगा, किलो में बिकेगा। तो यहाँ केजी कर देते हैं और यहाँ किलोग्राम फॉर्मल नेम कर देते हैं, किलोग्राम, एंटर करेंगे और यहाँ पे यूक्यूसी कोड केजी कर देते हैं। तो ये हो गया किलोग्राम। तो और यहाँ 3 रखते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पर चाहे तो स्टैंडर्ड रेट सेट कर सकते हैं लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आएंगे तो मान लीजिए 7 किलो बेसन की बात है, 1 किलो बेसन कितने का है, 120 रुपए किलो के हिसाब से है। तो यहाँ पे मैंने डिस्काउंट नहीं दिया है। फिर नीचे आते हैं, अब यहाँ पे जीएसटी के लेजर्स आएंगे। तो देखिए अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या होगा, यहाँ पे जीएसटी का लेजर लगा रहे हैं, सीजीएसटी सेम स्टेट का मामला है, ग्रुप रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये तो पता ही है आपको, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो गया, यहाँ जीएसटी हो गया और ये हो जाएगा सीजीएसटी, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीजीएसटी। तो ये सीजीएसटी कर दिया, राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग करते हुए इसको एक्सेप्ट करवाइएगा। यहाँ आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे डिटेल को तो जीएसटी ही नहीं कैलकुलेट होगा आपका। तो फिर स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। तो स्पेसिफाई करने के लिए फिर एस्केप बटन प्रेस करते हुए बाहर निकलिए और अब वापस आ जाते हैं कहाँ पर, F11 प्रेस करके उसी जगह पे आ जाते हैं उस कंपनी के अंदर और यहाँ पर जो डिटेल को स्पेसिफाई कर रहे थे वहां पर आते हैं हम, ठीक है। स्पेसिफाई हियर किया है और यहाँ पे देखिए ये जो टैक्सेबल रखा है तो इसको हमने 12% कर दिया। अब जैसे 12% किया तो कह रहा है करेंट कंपनी का करना है, लास्ट एंट्री का करना है, किसका करना है, तो हम जो है करेंट एंट्री को कर रहे हैं और यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स तो ऐसे ही रहेंगी एंटर करते हुए।
लास्ट तक आपको एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करवा लेना है। तो ये एक्सेप्ट हो गया, अब काम हो जाएगा। देखिए कैसे, वही एंट्री अगर आप पास करते हैं तो यहां पर अब आपका जो जीएसटी है वो कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा। देखिए यहां पर रेगुलर किया है और यहां पर जो आपका जीएसटी आईएन है वो यहां पर डाल दीजिए, एंटर करिए, यहां पे परचेज अकाउंट आ जाएगा। और यहां पर ग्रोसरी का आइटम था बेसन, तो बेसन लेते हैं, 7 किलो बेसन की बात हो रही है, 1 किलो की खरीद रेट 120 रुपए, डिस्काउंट कुछ भी नहीं दिया है मैंने। और अब यहाँ पे सीजीएसटी लगाते हैं, तो देखिए सीजीएसटी लगाते ही ये कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। अब एसजीएसटी का लेजर लगाते हैं क्योंकि सेम स्टेट का मामला होता है, तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी भी देना पड़ता है। और यहाँ पर एसजीएसटी दे दिया हमने, और एंटर करते हुए फिर यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करेंगे, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो देखिए ये काम हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे अब नरेशन में डाल दीजिएगा द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, ठीक है। तो आखिरकार क्यों स्पेसिफाई करना जरूरी, ये आपको बात समझ में आई होगी। अब सेल्स में जाके आप एंट्री कर सकते हैं, जैसे अगर आपको सेल्स में जाना है एफएट प्रेस करके सेल्स में चले जाइए, और यहाँ पर भी कैश में आप सेल कर दीजिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, और एंटर करते हुए यहाँ आ जाइए, और यहाँ पर बनेगा सेल्स अकाउंट का लेजर। तो यहाँ पे सेल्स कर देते हैं, SALES सेल्स ऑब्लिक्सी अकाउंट, और यहाँ पे ये जाएगा किसमें, अंडर सेल्स अकाउंट जाएगा। तो ये सेल्स अकाउंट कर दिया, एंटर किया, एंटर किया, और एंटर करते हुए यहाँ पर सारी डिटेल्स ऐसे ही रहेंगी। और अब यहाँ पे बेसन की बात कर लेता हूँ, तो ये बेसन हो गया। अब मान लीजिए 5 किलो सेल कर रहे हैं और बेचेंगे कितने का, तो हमने 120 का खरीदा है तो 135 रुपये किलो के भाव से हम बेच देते हैं। और यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे सीजीएसटी यहाँ पर भी कैलकुलेट हो गया और यहाँ पे एसजीएसटी भी लग गया, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे नरेशन क्या डाल देंगे, द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, कैश कर देंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे बल्कि कैश कर देंगे। तो नरेशन में चेंजेस करने होंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से बाहर आना होगा, क्रेडिट में तो हमने बेचा नहीं है, कैश में बेचा है, तो यहाँ से बाहर आकर के यहाँ पे दो बार डी प्रेस करेंगे और यहाँ पे दोनों दिख जाएगा। देखिए परचेज्ड यहाँ पे सही लिखा है परचेज वाले में, लेकिन सेल्स वाले में गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पे आएंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए सारी डिटेल्स ऐसे ही रहेंगी, एंटर करते हुए नीचे आइए, फिर नीचे आइए, फिर नीचे आइए, और जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विथ कैश, ठीक है। अब ये नरेशन सही हो गया और इसको इस तरीके से आप एक्सेप्ट भी करा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है, और साथ ही साथ ये भी बात पता चली होगी कि आखिरकार स्पेसिफाई अगर नहीं करते हैं जीएसटी को तो क्या दिक्कत आपको आ सकती है। स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो जीएसटी आएगा ही नहीं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो स्पेसिफाई करना इसीलिए जरूरी है, जीएसटी को स्पेसिफाई करना इसीलिए जरूरी है। अब आप इसका बिल भी देख सकते हैं किस प्रकार से बिल जनरेट होगा। तो यहाँ पे दो बार डी प्रेस कीजिए गेटवे ऑफ टैली के पर आने के बाद, और यहाँ से ऑल्ट पी कीजिए और एंटर कीजिए, देन इसका बिल आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू के लिए आई बटन प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। देखिए यहाँ पर ये पूरी डिटेल आपको दिख रहा है कि कितना कितना परसेंट जीएसटी लगा है। तो 12% का जीएसटी है, देख सकते हैं नीचे भी दिया गया है, और यहाँ पर जो रिमार्क्स हमने दिया था, जो नरेशन हमने दिया था, वो भी यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। तो सारी चीजें, सारा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि स्पेसिफाई करना क्यों जरूरी है। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो फिर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, या हो सकता है कि ऐसा एरर आए कि जीएसटी नॉट स्पेसिफाइड, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्पेसिफाई करना इसीलिए जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।